दोस्तों, जब भी हमें अमेजोन से शॉपिंग करनी होती है, कोई प्रोडक्ट को परचेस करना होता है, तो अक्सर हम यूट्यूब पर सर्च करते हैं हाउ टू ऑर्डर इन अमेजोन एप्लीकेशन, या हम सर्च करते हैं कि अमेजोन एप्लीकेशन से शॉपिंग कैसे करें या प्रोडक्ट कैसे बुक करें। तो आज की वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं कैसे आप अमेजोन एप्लीकेशन का यूज़ करके ऑनलाइन घर बैठे आप कैश ऑन डिलीवरी सामान मंगवा सकते हैं। यानी कि आपको सामान बुक करना है और जब आपको सामान मिलेगा उसी टाइम पर आपको पेमेंट करनी है, और कैसे आपको बुक करना है आज के वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं। और दोस्तों, हो सकता है आपको अमेजोन से शॉपिंग करना आता है तो भी आप इस वीडियो को पूरी जरूर देखना, क्योंकि यहां पर मैं आपको कुछ एडवांस टिप्स बताऊंगा जो आपको हेल्प करेगी एक अच्छा प्रोडक्ट लेने में, और आप फ्यूचर में कोई भी गलत प्रोडक्ट नहीं लेंगे और जिसका आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम नवीन है, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हम सफर टेक। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं डायरेक्टली फोन की स्क्रीन पर और आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कैसे आपको अमेजोन से ऑर्डर बुक करना है। दोस्तों, अमेजोन से शॉपिंग करने के लिए आपको सबसे पहले अमेजोन ऐप को डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से। जैसे आप अपने फोन पर गूगल प्ले स्टोर को ओपन करेंगे, यहाँ पर आपको अमेजोन सर्च करना है, और इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। यहाँ पर जैसे आप डाउनलोड करेंगे, आपको सबसे पहले अमेजोन शॉपिंग ऐप को ओपन करना होगा। ओपन करते ही आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आएगा। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर जो है ऑप्शन दिखेंगे, अगर आपका पहले से अमेजोन पर अकाउंट है तो आप यहाँ पर ऑलरेडी का एक कस्टमर साइन इन पे क्लिक करेंगे। अगर आपने अब तक इसमें अकाउंट नहीं बनाया है तो आपको यहां पर सबसे पहले न्यू टू अमेजोन इन क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है। मान के चलिए आपका अकाउंट नहीं है तो हम यहां पर दूसरा वाला जो ऑप्शन है न्यू टू अमेजोन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहां पर आपको अपना फुल नेम एंटर करना है, यहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर या फिर जीमेल आईडी को एंटर करना है, और यहां पर आपको अपना एक पासवर्ड बनाना है। अब दोस्तों, हमने डिटेल्स को फिलअप कर लिया है। अब यहां पर आप देखेंगे वेरीफाई मोबाइल नंबर का ऑप्शन आ रहा है, तो चलिए हम वेरीफाई मोबाइल नंबर पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके नंबर को ये वेरीफाई करेगा एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली। तो आप यहां पर देखेंगे कि यहां पर हमारा जो है मोबाइल नंबर इजीली वेरीफाई हो चुका है। अब हम यहां पर कंटिन्यू शॉपिंग पे क्लिक करेंगे। अब हमारा अकाउंट यहां पर लॉगिन हो चुका है। अब आपको जो भी प्रोडक्ट खरीदना है यहां पर आपको सारी कैटेगरी दिख जाएगी, जैसे कि फ्रेश में आपको खरीदना है, साथ ही साथ में मोबाइल में, फैशन में, और बहुत सारे आपको यहां पर कैटेगरी दिख जाती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं सीधा डायरेक्ट सर्च करना तो आपको यहां पर ऊपर सर्च का ऑप्शन दिखेगा, क्लिक करेंगे, और जो भी आपको प्रोडक्ट बाय करना है आपको यहां पर जो है सर्च करना होगा इस तरीके से। अब यहां पर बहुत सारे ऑप्शंस आ चुके हैं, तो आप यहां पर जो है कोई भी ऑप्शंस को सेलेक्ट कर लेंगे और यहां पर सारे के सारे मोबाइल फोन्स आ जाएंगे जो भी आपको खरीदना है। चाहे तो आप मोबाइल का मॉडल नंबर भी यहां पर सर्च कर सकते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको एडवांस टिप्स देने वाला हूं। यहां पर देखेंगे आपकी फिल्टर का ऑप्शन है, आप क्लिक करेंगे। यहां पर आप फिल्टर भी लगा सकते हैं जो जो आपको रिक्वायरमेंट है, कि आपको इंटरनल स्टोरेज कितना चाहिए, आपके डिवाइस के फीचर क्या होने चाहिए, रैम कितनी होनी चाहिए, और साथ ही साथ में आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, आप यहां पर फिल्टर भी लगा सकते हैं। अब यहां पर गाइस, मैं आपको टिप्स एक और दूंगा कि जब भी आप किसी फ़ोन को बाय करें उसकी रेटिंग आप जरूर चेक कर लें। यहां पर आप देखिएगा, जितनी ज़्यादा रेटिंग होगी, जितने ज़्यादा स्टार होंगे, तो आपका प्रोडक्ट उतना ही अच्छा है। तो आप यहां पर 4 स्टार से ज़्यादा जितने भी प्रोडक्ट में रेटिंग है आप उन्हीं को बाय करेंगे, खरीदेंगे, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। तो अभी देखिएगा, बहुत सारे फ़ोन हैं, मान के चलिए ये फ़ोन मुझे खरीदना सैमसंग का, और यहाँ पर इसकी रेटिंग बहुत अच्छी है, 4.5 स्टार है, और 249,578 लोगों ने इसको रेटिंग किया हुआ है। अब दोस्तों, हम इसको खरीदते हैं। खरीदने के लिए आपको इसको क्लिक करना है इसके ऊपर। जैसे आप क्लिक करेंगे एक और पेज खुलकर आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों, आप यहाँ पर फोन की फोटो भी देख सकते हैं, बस आपको क्लिक करना है। क्लिक करके आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फोन का जो है डिजाइन कैसा है, तो आप यहाँ पर इस तरीके से देख भी सकते हैं। चलिए, हमें इसको खरीदना है, नीचे आएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका अमाउंट इतना है, इसके फीचर क्या क्या है, जो भी ऑफर चलते हैं आपको यहां पर सारे के सारे ऑफर दिख जाते हैं। तो अभी हमें इसको खरीदना है, तो यहां पर बाय नाउ पे आपको ऑप्शंस क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद एक और ऑप्शंस आएगा। अब आपको यहां पर अपना एरिया का एड्रेस फिलअप करना है। जैसे आपको सबसे पहले अपना फुल नेम एंटर करना है, अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, अपने एरिया का पिन कोड नंबर, अपना हाउस नंबर या फिर फ्लैट नंबर, बिल्डिंग नंबर, कंपनी का नाम भी डाल सकते हैं। उसके बाद आपका एरिया कौन सा है, विलेज कौन सा है डाल सकते हैं यहाँ पर, और लैंडमार्क में आप अपने घर के आसपास कोई फेमस सी जगह है तो आप वो एंटर कर सकते हैं, और उसके बाद अपने गाँव का या सिटी का नाम एंटर करेंगे। उसके बाद आपका स्टेट यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन आप जैसे पिन कोड नंबर एंटर करेंगे आपके डिटेल ऑटोमेटिकली आ जाएगी। उसके बाद क्या आप इसको हमेशा के लिए सेव करना चाहते हैं डिफ़ॉल्ट एड्रेस
सेव करना चाहते हैं टिक कर लेंगे यहाँ पर, और उसके बाद एड्रेस टाइप में आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे कि होम है या फिर ऑफिस या है, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे हमारा घर है तो हम यहाँ पर होम पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर सुबह 7 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक आपको डिलीवर हो सकता है प्रोडक्ट, और आप यूज़ दिस एड्रेस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने एक और पेज खुलकर आएगा, तो यहाँ पर आपको पेमेंट करना होगा। सबसे पहले चाहे तो आप UPI जैसे गूगल पे फोन पे के UPI से कर सकते हैं, चाहे नेट बैंकिंग से, चाहे आप अपने डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड ATM कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, चाहे आप EMI से भी यहाँ पर इंस्टॉलमेंट में जो है सामान ले सकते हैं। और दोस्तों डेबिट कार्ड EMI में कैसे प्रोडक्ट को खरीदना है इस पर अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो अभी दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि पे ऑन डिलीवरी में यहाँ पर अभी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है मेरे पिन कोड नंबर पे, लेकिन अगर आपके पिन कोड नंबर पर ये फैसिलिटी अवेलेबल होगी तो आप यहाँ पर पे ऑन डिलीवरी पर क्लिक करेंगे। चलिए हम आपको दूसरा प्रोडक्ट को खरीद कर दिखाते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पर हम आपको एक शूज जो है ऑर्डर करके दिखाते हैं कैश ऑन डिलीवरी में। तो आप यहाँ पर देखेंगे बहुत सारे प्रोडक्ट आ चुके हैं, और हम मान के चलो इस प्रोडक्ट को हमें खरीदना है। अपने साइज को आपको सेलेक्ट करना है जितना भी आप साइज पहनते हैं, उसके बाद बाय नाउ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, और दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि सेलेक्ट पेमेंट मेथड आ चुका है, क्योंकि एड्रेस हमने पहले से सेव करके रखा हुआ है, तो हमें बार बार एड्रेस डालने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। और यहाँ पर आप देखेंगे कैश ऑन डिलीवरी में हमें ये सामान मिल रहा है, तो ये डिपेंड करता है कि वो प्रोडक्ट आपको जो है कैश ऑन डिलीवरी मिलेगा नहीं मिलेगा, जो सेलर है बेचने वाला पर्सन है वो कैश ऑन डिलीवरी दे रहा है नहीं दे रहा है। तो हम कंटिन्यू करेंगे, और अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जितना भी आपने ऑर्डर किया है आपका टोटल दिख जाएगा, और आप प्लेस योर ऑर्डर पर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर देख पाएंगे कि आपका ऑर्डर जो है सक्सेसफुली हो चुका है, और आप यहाँ पर कंटिन्यू शॉपिंग पे क्लिक करेंगे, और आप यहाँ पर होम पेज पे आ चुके हैं। अब मान के चलो आपको अपना प्रोडक्ट को जो है ट्रैक करना है कि आपका सामान अभी कहाँ पर है, क्या स्टेटस है। आप यहाँ पर नीचे क्लिक करेंगे 3 लाइन पर, क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शंस आएगा, और यहाँ पर आप देखेंगे योर ऑर्डर, तो आप क्लिक करेंगे योर ऑर्डर पे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं अराइविंग थर्सडे, यानी कि थर्सडे तक हमें ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। और आप यहाँ पर ट्रैक पैकेज पर भी क्लिक कर सकते हैं, अगर आप ट्रैक करते हैं तो आपके सामने आप इजीली देख पाएंगे कि अभी क्या स्टेटस चल रहा है, और यहाँ पर आपका एड्रेस भी इजीली आ जाएगा। अब मान के चलो आपको उसको कैंसिल करना है किसी वजह से, आप बैक करेंगे और यहाँ पर कैंसिल आइटम पर क्लिक करेंगे, और जैसे आप कैंसिल आइटम पर क्लिक करते हैं, और आपको सबसे पहले एक रीज़न सेलेक्ट करना होगा कि यहाँ पर रीज़न क्या है, तो आप कोई सा भी कारण यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। कैंसिल करेंगे यहाँ पर, और जैसे आप यहाँ पर कैंसिल पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपका प्रोडक्ट कैंसिल हो जाएगा कुछ इस तरीके से, योर ऑर्डर हैज़ बीन कैंसिल सक्सेसफुली। और अगर आपने ऑनलाइन पेमेंट किया है तो ये आपको 7 दिन के अंदर अंदर आपके बैंक अकाउंट में वापस क्रेडिट हो जाएगा। आई होप दोस्तों आप समझ पाए होंगे कि कैसे आपको अमेजोन एप्लीकेशन का यूज़ करके शॉपिंग करनी है। हालांकि दोस्तों अगर आपको कभी भी प्रोडक्ट डैमेज मिलता है, यानी कि टूटा फूटा मिलता है, या फिर डिफेक्ट मिलता है, उसमें कुछ प्रॉब्लम है, या फिर आपका प्रोडक्ट मिसिंग है, तो आप उस कंडीशन में रिटर्न का रिक्वेस्ट डाल सकते हैं या कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं। और कैसे आपको अमेजोन का प्रोडक्ट को रिटर्न करना है या फिर रिप्लेसमेंट मंगवाना है या फिर आपको कस्टमर केयर से बात करनी है, अगर आप जानना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। और दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा लाइक करके और कॉमेंट करके जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारी तरफ से लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट मिले सबसे पहले।